हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो जैसे आप जानते हो, आज एक महान संत का तिरुभाव है जिनका नाम है, और एकादशी के दिन आपके मंदिर में लीलामृता भी पढ़ते हैं। तो थोड़ा लीलामृत भी पढ़ेंगे, और क्योंकि ये मैराथन का समय है तो भागवतम के एक श्लोक भी पढ़ेंगे, जिसमें प्रचार की सेवा पर प्रभु जी बल देते हैं। पहले हम गोर किशोर बाबू जी का प्रणाम अंतर बोल सकते हैं। नमो गोर किशोराया साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर असंबोधे पदम बुझाया ते नमः। I bow to your lotus feet, Shri Gaurakishwardas Babaji, the embodiment of renunciation and the ocean of sacred rupture and separation. Avirbhav or Tirubhav. Avirbhav ka arth hai, jab ko koi mahan sant prakat hota hai. Aur Tirubhav ka arth hai, jab wo aprakat hota hai. भौतिक समाज में बर्थडे या आविर्भाव तो हम मनाते हैं, पर तिरुभाव बहुत कम लोग मनाते हैं। पर आध्यात्मिक जीवन में हम तिरुभाव भी मनाते हैं, क्योंकि हमें मौका मिलता है उस महान संत के गुणों के विषय में स्मरण करने के लिए। और गौर किशोरदास बाबू जी ये बड़े महान संत हैं। वैसे तो देखा जाए, क्योंकि वो हाँ भागवत भक्ति सिद्धांत जी के गुरु थे, इसलिए हम उनके विषय में ज़्यादा ज्ञान पा ज़्यादा महत्व देते हैं। गौर किशोरदास बाबू जी का जन्म हुआ था एक वैश्य खानदान में, सुधार खानदान में। और पहले वो कोई सारा बिजनेस धंधा करते थे, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी। और उनके पत्नी के देहांत के पश्चात वो वृंदावन में गए, जहाँ की उन्होंने 30 साल भजन किया। गौर किशोरदास बाबू जी बहुत ही ऊँची कोटि के संत थे, जिनके मन में सदा एक ही भाव था, हरि नाम का उच्चारण। तो 30 साल के लिए उन्होंने दिन रात 30 साल के लिए भजन किया वृंदावन में, और वहाँ रोज 128 माला करते थे रोज। और एकादशी के दिन पूरा निर्जल, एक बूंद पानी में थी। गौर किशोरदास बाबू जी वृंदावन में थे और बिल्कुल सादा जीवन, पहनने के लिए क्या, जो कपड़े शमशान घाट में फेंकते हैं जब शरीर को जलाते हैं, जाकर वो कपड़ा गंगा में धोकर वो पहनते थे। और खाने के लिए बहुत ही सादी खुराक, मिट्टी गंगा की और चावल गंगा जल में भगोते थे, बिल्कुल सादा जीवन। तो उन्होंने 30 साल के लिए यहाँ भजन किया, और फिर भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी और वो गए कहाँ, नवदेव धाम में, जहाँ के उस समय ठाकुर भक्ति विनोद जी प्रचार कर रहे थे। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने उस समय ये स्थापित किया था कि चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि कौन सी है, और फिर वो गए
धंधे पे भी बहुत ही सारा जीवन बिताते थे और भौतिक कार्यों में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। उनकी इच्छा रहती थी कि हरि नाम किया जाए और हरि नाम का जाप करते समय कोई आकर उनको डिस्टर्ब नहीं करे। जितने ध्यान से हम हरि नाम करेंगे उतना अधिक लाभ भी हमें पहुँचेगा। तो वो किशोरदास बाबू जी कई काफ़ी समय के लिए गए बैठ एक पब्लिक लैटरिन वहाँ जाप करने लगे। आप कहोगे क्यों? कि पब्लिक लैटरिन के वहाँ बदबू आती है, अक्सर कोई जाता नहीं और उनका ये भाव था पब्लिक लैटरिन की बदबू पौधे की संगत में रहने से ज़्यादा बेहतर है। कईयों ने उन्हें कहा कि हम आपके लिए भजन कुटीर बना देते हैं, पर गोरकिशोर बाबू ने कहा नहीं, भजन कुटीर नहीं चाहिए और पब्लिक लैटरिन में जहाँ की बदबू आती है वहाँ जाकर जाप कर देते हैं। गोरकिशोर बाबू जी का सम्मान भक्ति रूप ठाकुर से हुआ और जगन्नाथ बाबू जी से। रहते थे खाने के लिए मधुकरी, ये था, और पहनने के लिए जैसे मैंने कहा बिल्कुल सादे कपड़े जो लोग फेंक देते हैं उसे उठाकर धोकर पहनते थे। गोरकिशोरदास बाबू जी भौतिक दृष्टि से बिल्कुल अनपढ़ थे, नाम लिखना भी नहीं जानते थे और बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते थे। जब भी उनका इतना गहरा ज्ञान था कि बड़े बड़े विद्वान उनके पास आते थे शास्त्रों का प्रश्न लेकर और पूरे समाज में उनका बहुत आदर था। गोरकिशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद जी के साथ बैठकर भजन करते थे और उन्हें अपना शिक्षक गुरु के समान मानते थे। ठाकुर भक्ति महान आचार्य थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी की शुद्ध शुद्ध शिक्षा की स्थापना की। महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात महाप्रभु का सिद्धांत गलत व्यक्तियों के हाथ में आ गया था। ये ठाकुर भक्तिनाथ जी की महिमा थी कि उन्होंने असली संदेश को स्थापित किया, अनेक ग्रंथों द्वारा शुद्ध भक्ति के ज्ञान की रचना की और उनकी प्रार्थना थी भगवान से कि वो कोई प्रतिनिधि को भेजें जो कि उनके आंदोलन को आगे बढ़ा सके। और उनकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने किसे भेजा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिसे रेय विष्णु विष्णु की किरण माना जाता है। भक्ति सिद्धांत जी शुरू से बहुत बड़े विद्वान थे। 7 साल की आयु में उन्होंने पूरे गीता को कंठस्थ कर लिया था। He was walking encyclopedia। अब उसे किसी कोई भी प्रश्न पूछ सकते थे किसी भी समय। तो गोरकिशोरदास बाबू जी बड़े विद्वान थे और लाइब्रेरी में भक्ति सिद्धांत जी सारी किताब पढ़ लेते थे। वो छोटी आयु में ही लाइब्रेरी में
सारी किताब उन्होंने पढ़ ली, एक बार पढ़ लें तो कभी भूलते नहीं थे, मुझे बिल्कुल याद रहता था। और फोटोग्राफिक मेमोरी और भक्ति सिद्धांत जी की कुछ शिक्षा तो उनके पिता ने दी थी, आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने अपने पिता से प्राप्त किया था। पर भक्ति सिद्धांत जी जब दीक्षा का समय आया तो उन्होंने क्या कहा गोरकिशोरदास बाप जी के पास जाने के लिए कहा, और जब पहली बार भक्ति सिद्धांत जी आए गोरकिशोरदास बाप जी के पास तो गोरकिशोरदास बाप जी ने कहा, तुम इतने पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कहाँ से तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ। पर भक्ति सिद्धांत जी ने विनती की और गोरकिशोर बाप ने कहा, ठीक है मैं महाप्रभु से पूछूंगा, तुम्हें दीक्षा देनी चाहिए। फिर भक्ति सिद्धांत जी फिर गए और अगली बार उन्होंने कहा, मैं देख मैं पूछना भूल गया, क्योंकि गोरकिशोरदास बाब जी ने दिन रात भजन करते थे 128 माला दिन में, पर शिष्य बनाने की कोई इच्छा नहीं थी उनकी। वो चाहते थे एकांत के स्थान में बैठकर जप करना। तो दूसरी बार जब गए भक्ति सिद्धांत जी तो उन्होंने फिर से पूछा, मेरा मैं भूल गया। तो जब उन्होंने अपने पिता ठाकुर भक्तिनाथ से कहा कि अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मुझे शिष्य बनाना है, तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, तुम घर मत आना जब तक वो तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर। भक्ति सिद्धांत जी उन्हें मिले एक ब्रिज के ऊपर गंगा के। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि अगर तुम मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो मैं यहाँ आत्महत्या करूँगा। फिर जब गोरकिशोरदास बाप जी ने देखा कि इसमें इतना गहरा इतनी गहरी इच्छा है, फिर उन्होंने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कई भक्तों ने कई गौड़ीय मठ संन्यासियों का कहना है कि गोरकिशोरदास बाप जी के पास भक्ति सिद्धांत जी 18 दफ़े आए थे और 18 दफ़े उन्होंने इनकार किया, नहीं 18वीं बार जाकर उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। वो कई कहते हैं 3 या 4, पर कई बार उन्हें जाना पड़ा। भक्त गोरकिशोरदास बाप जी कहते थे कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं अपना नाम ही लिख नहीं सकता, तुम इतने बड़े विद्वान हो, मैं कैसे तुम्हें दीक्षा दूँ। तो गोरकिशोरदास बाप जी धाम में रहते थे और हर धामवासी को आदर देते थे, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई पशु हो, उसे धामवासी मानते थे। आप ये पढ़ते हो जगन्नाथदास बाबू जी के गुणों में भी, तो गोरकिशोरदास बाबू जी धाम के हर व्यक्ति को आदर देते थे। उनमें जो त्याग की भावना थी और आकर्षण राधा रानी की सेवा के प्रति, इसकी तुलना की गई है रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ। और गोरकिशोरदास बाप जी कहते थे भजन निताई की कृपा से महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी और महाप्रभु की कृपा से
कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और वो कहते थे अगर कोई व्यक्ति केवल भोजन खाना चाहता है, मतलब कि उसको बड़ा स्वाद है, पकौड़े भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो कहते थे फिर तुम भजन नहीं कर पाओगे। अगर भजन करना है तो सादा जीवन, अगर तुम चस्के के लिए खाना चाहते हो फिर भजन करना कठिन है। जो आपके फीस स्पॉन्सर करते हैं उन्हें बताना चाहिए कि चस्के के लिए नहीं खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना आवश्यक हो पेट भरने के लिए। और गौर कृष्णदास भाव जी बिल्कुल त्यागी थे और एक समय एक धनी व्यक्ति आया जिसने कहा कि मैं चैरिटेबल दवा खाना खोलना चाहता हूँ, जैसे आजकल रिवाज है चैरिटेबल दवा खाना खोला। तो उन्होंने कहा इसका क्या फायदा अगर तुम उसका इलाज करके वो इंडिया तिब्बती में जुड़ेगा, क्या फायदा। मान लो आपने किसी की आंखों का ऑपरेशन करवा दिया, तो अगर वो आंखों द्वारा गंदी चीज़ें देखेगा तो क्या फायदा। गौर कृष्णदास बाप जी बहुत ही त्यागी थे। एक समय वो थोड़ी देर बाद उनकी आंखें बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, लगभग अंधे बन गए थे। और भक्ति सिद्धांत जी ने कहा चलो क्या कर रहा आपका इलाज करा देते हैं, हमारे बोल में थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने देखा धाम के बारे में नहीं जाना। तो हर धामवासी को वो आदर देते थे। तो गौर कृष्णदास बाबू जी बहुत ही ऊँचे कोटि के संत थे। हालांकि भक्ति सिद्धांत जी इतने बड़े विद्वान थे, गौर कृष्णदास बाबू जी अनपढ़ थे। जब भी उन्होंने गौर कृष्णदास बाबू जी को भक्तिवत ठाकुर के कहने पर गुरु के रूप में स्वीकार किया, और गौर कृष्णदास बाबू जी सबको यही कहते थे अगर तुम्हें भगवत प्रेम चाहिए तो क्या करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप, वो स्वयं दिन रात ये जाप करते थे। हालांकि वो अनपढ़ थे, उनके पास पूरा शास्त्र ज्ञान था, रहते थे मधु करी करके, पहनने के लिए वो कपड़े लोग फेंक देते हैं, शमशान घाट से लाते थे कपड़े जो फेंके जाते हैं, बिल्कुल सारा जगह। और भक्तिवत ठाकुर बड़े प्रभावित थे उनके त्याग की भावना से, इनाम की रुचि में, और इसलिए उन्होंने अपने बेटे को आदेश दिया उनसे दीक्षा लेने के लिए। और भक्ति गौर कृष्णदास बाबू जी के एक ही शिष्य थे, वो थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर। तो गौर कृष्णदास बाबू जी ने कहा था जब वो शरीर त्यागे तो उनके शरीर को धूल में खींचना चाहिए। गौर कृष्णदास बाप जी जब प्रकट हुए तो कईयों ने प्रयास किया ये बताने के लिए, कईयों का प्रयास था कि गौर कृष्णदास बाप जी की समाधि वो बनाएं, क्योंकि बड़े प्रसिद्ध संत थे, दूर दूर से लोग आते थे उनका दर्शन लेने के लिए। और सोचे थे हम मंदिर बनाएंगे तो फिर
लोग आएंगे, चढ़ावा आएगा, आमदनी बनेंगे। तो भक्ति सिद्धांत जी ने जब देखा तो वहाँ पहुँचे, उन्होंने सबको रोक दिया कि किसी प्रकार से इस समाधि में सहयोग नहीं दें। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र बिल्कुल ठीक है, या जिसने कोई गलत काम नहीं किया हो पिछले एक महीने में? तो भक्ति सिद्धांत जी ने फिर गोरकिशोरदास बाबा जी का क्या समाधि बनाई। तो गोरकिशोरदास बाबा जी बहुत ही ऊँचे कोटि के संत थे, और आज है उनका सिर भावदेव। हम भक्तों को उनसे प्रार्थना करनी चाहिए क्या कि हमें भी क्या उसी प्रकार का भाव हो, सारा जीवन ऊँचा विचार। हम ये तो नहीं कहते कि आप उनकी नकल करो, फटे हुए कपड़े पहनो, शमशान घाट जाओ, हाँ जो कपड़े उसको लाकर धोती बनाओ। हमें खाने के लिए चावल जो गंगा जल में धोते थे, या राधा कुंड की मिट्टी और गंगा की मिट्टी नहीं, पर उनका जो भाव था वो क्या था, दिन रात हरि का नाम लेना। और उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी के द्वारा सारे विश्व में प्रचार किया। तो वो शिक्षा शिष्य थे भक्ति विनोद ठाकुर के, और आज है उनका तिर बाबा देव। हम भक्ति विनोद गोरकिशोरदास बाबा जी से प्रार्थना करते हैं क्या कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो कि हम भी हरिनाम में रुचि बढ़ाएं और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। और हमारा भी प्रयास होना चाहिए सारा जीवन ऊँचा विचार, सारा जीवन का भाव होना चाहिए। गोरकिशोरदास बाबा जी की तो इस श्लोक में नारद मुनि इस श्लोक का उच्चारण नारद मुनि कर रहे हैं। नारद मुनि प्रत्येक जस को शिक्षा दे रहे हैं। तो नारद मुनि इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान को अगर हम संतुष्ट करना चाहें तो इन कार्यों के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं। और जिसमें सबसे पहले क्या है, दया, दया की भावना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, दया की भावना का मतलब है प्रयास करना कृष्ण भक्ति के संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। ये भाव, ये संदेश कई श्लोकों में प्राप्त होता है, जैसे कि तीसरे स्कंद में भक्तों के गुणों का वर्णन है। और भगवान कपिल देव कहते हैं, प्रतीक्षा करुणी कहा सुविधा सर्वदयन अजत सर्वसंत साधु साधु पूछना। जो भक्त है उसमें करुणा दया की भावना होगी। तो ये प्रचार की सेवा, इस विषय पर आप कई बार सुन बैठे हो, भगवान प्रचार की सेवा और बल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है क्या, सारे जीवात्मा भौतिक संसार से मुक्त होकर उनके धाम में लौटे। चैतन्य महाप्रभु एक समय हरिदास ठाकुर के पास पहुँचे और महाप्रभु ने कहा, हरिदास ये बताओ ये सब यावनों की का उद्धार कैसे हो? भगवान की इच्छा क्या है, सारे जीवात्मा उनकी शरण ग्रहण करें और भगवान के नाम आए। तो यहाँ भगवान नारद मुनि कह रहे हैं तीन कार्य आवश्यक आवश्यक है, आया मेरे संतुष्ट और सर्वनिधि पर संतुष्ट हो हर स्थिति में, और मन और इंद्रियों को वश करो। तो दया की भावना प्रकट होती है जब हम प्रचार की सेवा करते हैं। और वैष्णव के विषय में क्या कहा जाता है, पर दुख दुखी। जो वैष्णव भक्त है जब वो देखता है
लोग भौतिक कार्यों द्वारा संतुष्ट होना चाहते हैं, वो जानता है कि यह संभव नहीं है। वो क्या करता है, प्रयास करता है कि भगवान का संदेश आगे पहुँचाया जाए। तो आप शास्त्र में ये ज्ञान प्राप्त करते हो, ये जो प्रचार की सेवा जिसके विषय में आप सुनते हो दिन रात, इस सेवा पर बल इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये है भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा है क्या, कि सब जीव उनके शरण में आए। और असली दया, नकली दया अर्थ है, नकली दया का क्या साधन, भौतिक सुविधाएं देना। जैसे कई बार व्यक्ति हमें दोष देते हैं, तुम लोग प्रचार करते हो, हॉस्पिटल खोलो, ये करो ये करो, ये भौतिक दया। इस भौतिक दया से असली सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर आप असली सुख देना चाहते हो तो क्या है, दिव्य ज्ञान दीजिए। प्रभुपाद जी ने अनेक श्लोकों में और तात्पर्य में इस विषय पर बल दिया कि असली दया है भगवान के संदेश का प्रचार। ठाकुर भक्ति विनोद, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे कुछ समय पहले, पहले महान संत थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर। ठाकुर भक्ति विनोद को पूरा विश्वास था कि महाप्रभु की भविष्यवाणी सफल होगी। क्या थी महाप्रभु की भविष्यवाणी, पृथ्वी भक्ति सिद्धांत जी ने कई सन्यासियों को भेजा था विदेश में प्रचार आरंभ करने के लिए, इस भविष्यवाणी को सत्य बनाने के लिए, पर वो सफलता प्राप्त नहीं कर सके। पर जब वो प्रभुपाद जी को मिले तो उन्हें पूरा विश्वास था कि ये युवक कर पाएगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने अपना ग्रंथ विश्व के अनेक महाविद्यालयों में भेजा, और उससे पहले ग्रंथों का प्रकाशन होता नहीं था क्योंकि कोई प्रिंटिंग इंडस्ट्री नहीं थी, कागज नहीं थे, पेपर कागज नहीं था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने गुड़ी मठ की स्थापना की और प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाया, उन्होंने इस प्रचार की भावना को प्रकट किया ग्रंथों के प्रकाशन के द्वारा, और उन्होंने इस विषय पर बल दिया ग्रंथों को बांटना चाहिए, दूसरों तक पहुँचाना चाहिए। और भक्ति सिद्धानंद जी ने प्रभुपाद को क्या आदेश दिया, अगर भगवान तुम्हें सफलता दें तो क्या करो, इन ग्रंथों को बांटो। तो ये जो प्रचार की सेवा है जिसके विषय में आप लगभग रोज सुनते हो इसकी महिमा, इसलिए सुनोगे बार बार तो वो भावना भी होगी। और जैसे आज के श्लोक में नारद मुनि प्रचार की सेवा पर बल देते हैं, भगवत के तीसरे स्कंद के श्लोक में कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि भक्त जो है उसमें दया की भावना होनी चाहिए। आप कहोगे या सोच सकते हो कि हमारे में तो ये भाव है ही नहीं, सच बोलते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग नरक में जा रहे हैं जाने लो, हमारा तो उद्धार हुआ है। पर भावना बेशक नहीं हो, पर अगर हमारे में श्रद्धा है, भाव है कि हमने मान महान आचार्यों के संदेश का पालन करना है, पर भगवान का भी यही संदेश है, भगवान की भी यही इच्छा है। गीता तक में भगवान क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, हमें यहाँ प्रचार करता है।
तो ये प्रचार की सेवा जो कि ग्रंथों के माध्यम से हम प्रकट करते हैं। प्रभुपाद जी ने क्यों अनेक ग्रंथ लिखे, क्योंकि गुरु महाराज ने उन्हें ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था, अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो क्या करना, ग्रंथों का प्रकाशन और ग्रंथों का अनुवाद। तो प्रभुपाद जी ने इस आदेश को बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया। जैसे आप जानते हो प्रभुपाद दादा दामोदर में रहते थे, उनके पास एक पुराना टाइपराइटर था टूटा हुआ, उसमें टाइप करके मैन्युस्क्रिप्ट को फिर दिल्ली आते थे और प्रकाशन करके इन्हें बांटने जाते थे। क्यों? एक ही भाव था, लोग पढ़ेंगे इन ग्रंथों को तो जीवन को सुधारेंगे। कई बार हमारे मन में ये भाव आता है कि लोगों की रुचि नहीं है इन ग्रंथों में, कोई पढ़ना नहीं चाहता, काम बेकार में इतना प्रयास कर रहे हैं, पर लोगों की रुचि है। अगर रुचि नहीं होती तो लोग इन ग्रंथों को क्यों नहीं पढ़, क्यों पढ़ते। तो सारे विश्व में ये देखा है कि जब लोग कई हैं कि वो इन ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, पर हमारा फर्ज क्या है, प्रयास करना। तो अगर हम प्रयास करेंगे इस संदेश को आगे पहुँचाने के लिए तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कई प्रिंटिंग प्रेस भी खोले थे, ये प्रचार के कार्य को बहुत बदल दिया। और श्री प्रभुपाद जी ने विदेश जाने से पहले ग्रंथों का अनुवाद शुरू कर दिया था, और जब प्रथम स्कंद 3 भागों में छपा, उसके पश्चात प्रभुपाद जब अमेरिका गए, उन्होंने भक्तों को क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। भक्त जो थे जरा विचलित हो गए, उन्होंने कहा कौन पढ़ेगा इन ग्रंथों को। अमेरिका में लगभग खा सके उस समय अधिक आबादी क्रिश्चियन है, और भक्तों ने कभी सपना भी नहीं देखा था कि गीता कृष्ण बुक इत्यादि वो सड़कों में बांटेंगे। तो जब प्रभुपाद जी ने कहा कि इन ग्रंथों को बांटो, तो भक्त चिंता में थे कैसे प्रभुपाद जी को खुश करें, उनकी इच्छा थी उन्हें खुश करेंगे, पर उन्होंने प्रयास करके एक साधन निकला फिर दूसरे साधन निकला। उदाहरण के लिए एक समय हमारे भक्त हरिनाम करके सैन फ्रांसिस्को में जा रहे थे वापस मंदिर, और रास्ते में पेट्रोल डालने के लिए रुके, और उसी समय कृष्णा बुक जापान से छप कर आई थी अमेरिका में, तो भक्त के पास 2-3 कॉपीज थी अपनी गाड़ी में, तो 10 रुपये का पेट्रोल लिया और $10 और उसे जाके पेट्रोल पंप के मालिक को कहा डॉलर की बजाय हम आपको एक किताब दे सकते हैं। उसने किताब को देखा, अमेरिकन था, उसने कहा ओके। तो भक्त ने सोचा क्योंकि एक व्यक्ति ऐसे खरीद सकता है तो दूसरे व्यक्ति को भी प्रचार करने पर हम आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्त खोजते गए नए नए साधन और ग्रंथों का वितरण बढ़ता गया। जब भारत में प्रभुपाद जी आए और प्रचार शुरू किया, भारत में भी भक्तों ने प्रयास किया इन ग्रंथों को बांटने के। तो इन ग्रंथों को इसलिए बांटा जाता है क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान की वाणी
और तात्पर्य में इसी वाणी की भी आ गया। और क्योंकि संतों की इच्छा रहती है सबको उद्धार हो, इसे हम प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं। प्रचार की सेवा संभव सफल होती है जब हम प्रयास करें और अच्छी साधना भी रखें। अच्छी साधना बहुत आवश्यक है। एक मंत्र है इस काल में, कहीं कहते हैं कि प्रभुपाद जी से मंत्र निकला है और प्रभुपाद जी से शायद नहीं निकला। पीछे की दी एसेंस, अनेक प्रकार के सेवाएं हैं जो हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण कौन सी सेवा है? प्रचार की। बुक्स आर द बेस, प्रचार का मतलब है ग्रंथों के माध्यम से प्रचार करना। और क्यों? कि ग्रंथ में है भगवान की वाणी, जिसमें कोई टूटी नहीं, कोई कमी नहीं इत्यादि। और अगर हम ग्रंथों द्वारा प्रचार करेंगे तो लोग ग्रंथों को पढ़ेंगे और उसके द्वारा आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होगी। प्रभुपाद जी कहते थे, तुम बोलोगे कुछ अपने जो जीभ से जबानी, वो सुनेंगे और भूल जाएंगे। तो ये जो प्रचार की सेवा है, इसके द्वारा भगवान को संतुष्ट कर सकते हो। प्रचार की सेवा अधिक प्रिय है, क्योंकि इसके माध्यम के द्वारा हम लोगों की अज्ञानता को दूर कर रहे हैं। अगर आज आप देखते हो कि भारत में या सारे विश्व में भक्तों की संख्या बढ़ी है, उसका मूल कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। इन ग्रंथों को पढ़ना भी है और पढ़ना भी। तो ये है असली दया। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक भी पढ़ लेगा, एक उपशब्द भी पढ़ लेगा और अपनाएगा, उसका पालन करेगा, तो उसका जीवन सफल हो सकता है। तो हर साल सारे विश्व में हमारे भक्त प्रयास करते हैं क्या इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए। और ये अनुभव है कि गीता जयंती के उपलक्ष्य ये जो हम मैराथन करते हैं, इसमें सब रुचि लेते हैं। असल में ये मैराथन पहले शुरू हुआ था अमेरिका में, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ था अमेरिका में और यूरोप में। और उन दिनों में पहले 3 दिन का मैराथन होता था, क्रिसमस मैराथन, फ्राइडे सैटरडे संडे। फिर भक्तों ने देखा कि वो मैराथन करते हैं, बड़ा अच्छा नतीजा आता है। उन्होंने 3 दिन के मैराथन को 1 हफ्ते का मैराथन कर दिया। उन्होंने देखा 1 हफ्ते में भक्त जब अधिक प्रयास करते हैं, अच्छी सफलता होती है। तो फिर उन्होंने 1 हफ्ते से 1 महीने को बढ़ा दिया। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया था मैराथन का क्या अर्थ, और प्रभुपाद जी का मैराथन का अर्थ है कम सोना, कम खाना और अधिक प्रयास करना। तो खैर हम ये नहीं कह रहे कि अब खाना, पर मैराथन के समय हम प्रयास करते हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। और हम प्रयास करें तो सफलता भी होगी। आप पढ़ते हो चैतन्य भागवत में किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन हरिदास नित्यानंद को बुलाकर क्या कहा, जाओ सुनो, जाओ घर घर और ये प्रचार करो। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार इन्होंने घर घर जाकर प्रचार शुरू किया। और उन्होंने किसको प्रचार किया? पर जब वो घर घर जा रहे थे, ये नहीं कि हर घर में उनका स्वागत हुआ, कईयों ने स्वागत किया, कईयों ने अपमान भी किया।
कई ने ये भी कहा तुम जासूस हो, आयो हमारे घर में देखने के लिए क्या है, फिर आओगे चोरी करने के लिए। इन्हें कठोर शब्दों का उपयोग किया। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब हम प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं, जब हम प्रचार की सेवा में जाते हैं, ये नहीं कि हर व्यक्ति तुरंत तैयार हो जाएगा ग्रंथ लेने के लिए। ये नहीं कि हर व्यक्ति कहेगा हम आपकी राह देख रहे थे, हमारी इच्छा तो ये रहती है कि हर व्यक्ति जिसके पास हम पहुँचे हैं वो कहेगा हम आपकी राह देख रहे थे, बोलो कितने ग्रंथ है। पर आप देखते हो कि कई कहेंगे हमारे घर में बहुत गीता थे, पिछले साल भी आप आए थे ना। पिछले साल भी आप आए थे, बहुत महंगे, कई बहाना देंगे। माया अनेक रूपों से प्रयास करती है हमें भगवान से दूर रखने के लिए, पर अगर भक्त प्रयास करे तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। चैतन्य कृष्णदास कवराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है। तो प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कि इन ग्रंथों को लोग 10,000 साल तक पढ़ेंगे और उसके पश्चात माया का कितना कितना गहरा प्रभाव होगा कि हम कोई भी व्यक्ति धर्म कार्य में रुचि नहीं लेंगे। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये सबके लिए है, जिसे कृपा चाहिए भगवान की उसके लिए है, क्योंकि बार बार इस विषय पर चर्चा की जाती है। उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज का उपदेश आप सातवें स्कंद में प्राप्त करते हो। प्रहलाद महाराज ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जो माता के घर में थे। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं इस विषय पर, जब मैं देखता हूँ किस प्रकार हम दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे अत्यंत दुख पहुँचता है। तो भौतिक वाले व्यक्ति क्या कह रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि दुख की स्थिति को सुख में बदला जाए, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं रंग कर देंगे, हमें कोई कमी है दूर करने का प्रयास करते हैं, पर इन कार्यों के द्वारा असली सुख प्राप्त नहीं होगा। आज आप समाज में देखते हो चिंता तनाव निराशा। तो ये जो ग्रंथों की सेवा है ये असली समाज की सेवा है, और इसके द्वारा हम प्रभुपाद और सारे आचार्यों को प्रसन्न कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश था, झाड़े दागो खाओ जिसे मिलो उसे कृष्ण को मिलो। तो ये चैतन्य महाप्रभु का भी संदेश है। और हर साल हमारे मंदिर के भक्त हमारे क्रियाशील भक्तों के साथ मिलकर प्रयास करते हैं ग्रंथों को बांटने के लिए। तो हमारे ब्रह्मचारी ने तो मैराथन शुरू कर दिया है, और निवेदन है कि हम सब इस मैराथन में जुड़े। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या करेंगे कहाँ जाएंगे, अगर हम सच में प्रयास करेंगे तो भगवान हमें कोई ना कोई साधन देंगे। आखिर इतने सालों से 50 से अधिक सालों से भोग निर्मिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रचार की सेवा है इसके द्वारा हम परम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, इसके द्वारा हम हमारे आचार्यों को प्रसन्न कर सकते हैं, इसके द्वारा हम आध्यात्मिक जीवन में
आगे भी बढ़ सकते हैं और ये संभव है अगर हम अच्छी साधना भी रखो। अगर हम साधना अच्छी नहीं रखेंगे और ये सोचेंगे कि सफलता प्राप्त होगी, ये गलत है। साधना रखना आवश्यक है। जब आप प्रचार के क्षेत्र में आगे बढ़ते हो, आपका माया से सामना बढ़ जाता है। जब आप केवल मंदिर में हो तो माया का दर्शन कम होता है, और जब आप प्रचार में जाते हो तो माया का दर्शन बढ़ जाता है कि नहीं। तो आपके लिए क्या है सुरक्षा? आपकी सुरक्षा है अगर आपने अच्छी साधना रखी है। सुबह के समय जाप कीजिए, संकीर्तन भक्तों को जपमाला अपने जाप पहले समाप्त करना चाहिए प्रचार में जाने से पहले, और आप देखोगे कि अगर आपका साधना अच्छी हो। प्रभुपाद जी ने कहा प्योरिटी इज द फोर्थ, पवित्रता ही, और पवित्रता का मतलब है साधना, जाप करना, ग्रंथों का ध्यान करना इत्यादि। तो अगर आप अच्छी साधना रखोगे और प्रयास करोगे तो फिर इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, जो मंदिर के भक्त हैं, जो हमारी क्रिया सब भक्त हैं, कभी मैराथन शुरू हो गया है, आप अगले ये मत सोचो दिसंबर 1 को शुरू करोगे। मैराथन शुरू हो गया है और हम सब अगर इस सेवा में जुड़ें तो आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ पाएंगे। असल में माया का मैराथन पूरे साल रहता है, सच है या झूठ? माया का मैराथन सिर्फ दिसंबर 1 को शुरू होता है या गीता जयंती के उपलक्ष्य? माया का मैराथन पूरा साल चलता है, 365 दिन। हम भक्तों का उत्साह भी यही रहना चाहिए कि हम लोगों को यही संदेश दें। तो पिछले साल आप भक्तों ने मिलकर कितने ग्रंथ पढ़े थे? 4 लाख एग्जैक्ट। तो पिछले साल आप भक्तों ने मिलकर लगभग 4 लाख बड़े ग्रंथ गीता कृष्ण मुख इत्यादि पाठे थे, और उससे पिछले साल कितना से जब मैराथन शुरू हुआ था प्रभुपाद ने कहा था डबल इट, मतलब कि अगर 1 साल 100 गीता बांटो तो अगले साल 200 होना चाहिए, पर अगर हम कहें 4 लाख को डबल इट करो वो इतना आसान नहीं होगा। तो भक्तों का प्रयास रहना चाहिए ये साल भी करें, कई बार या कभी कभी लोगों को लगता है इस कौन में कुछ ना कुछ मैराथन होते ही रहता है, जन्माष्टमी मैराथन, रथ यात्रा मैराथन। ये एक रूप से भगवान की कृपा है कि हमें सदा सेवा में लगाए रखते हैं कि माया में गिरने का मौका नहीं मिले। एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, हिंदी में क्या कहते हैं? खाली दिमाग शैतान का घर रहता है। तो हमेशा आप सोचते रहोगे हमने इनका ये प्रयास करना, ये सेवा करनी है, तो आपका मन जुड़े रहेगा अच्छे कार्य में। प्रभा जी ने कहा इन ग्रंथों का पढ़ना बांटना इज इक्वल टू चैंटिंग एंड हियरिंग, ऐसे आप जप करते हो। तो ग्रंथों को बांटना
और पढ़ना इज्जत के बराबर है। तो इस साल आप भगवान का प्रयास रहना चाहिए कि कम से कम आपने जो ग्रंथ पिछले साल पढ़े थे उसके बराबर तो करो। ये साल क्या टारगेट है आपका? ये साल भी सेम टारगेट है। आप सब प्रयास करोगे हमारे भक्ता प्रोग्राम को भी भाव प्रभु के अंडर, इन्होंने तो मैराथन शुरू कर दिया है। आप लोग ने 15 दिन में कितनी, हाँ 15 दिन में 9 लाख रुपये की किताबें बांटी। तो ये वृंदावन में मुझे मिले थे और भीमा प्रभु को मैंने बुलाया था, भीमा प्रभु ने कहा वेरी गुड। तो आप ये नहीं कि इससे मंदिर के ब्रह्मचारी मैराथन करके, मंदिर के सारे भक्तों को इस मैराथन में जुड़ जाना चाहिए। जो हमारे मेंबरशिप डिपार्टमेंट के भक्त हैं वो भी सहयोग ले सकते हैं गीतों का आगे बैठने में। एक योजना हम करना चाहते हैं ये साल होटलों में बांटने के लिए। जो होटल हैं हम चाहते हैं कि हर होटल के कमरे में गीता हो, और जब हम होटलों में जाते हैं तो होटल वाले कहते हैं क्रिश्चियन लोग हमें मुफ्त में दे रहे हैं, आप भी मुफ्त में दीजिए। बुद्धिस्ट लोग हमें मुफ्त में दे रहे हैं। अमेरिका में हमारे भक्तों की योजना है हमारे सारे होटलों में गीता। तो एक बहुत बड़ा जापानीज बिजनेसमैन था बुद्धिस्ट, जिसने अपनी विल में बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी थी बुद्धिस्ट ग्रंथों को बांटने के लिए। तो वो संस्था सारे होटलों में बुद्धिस्ट नाम ग्रंथों को बांटती है। तो हमारे भक्त बांट रहे हैं होटलों में अमेरिका में, तो वो स्पॉन्सर कराते हैं। तो जो लाइव मेंबरशिप में हैं वो गीता को स्पॉन्सर करा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम होटलों में डालें, जिसके माध्यम से स्कूलों में दें, जिसके माध्यम से अनेक लाइब्रेरीज में दें। तो ये योजना अनलिमिटेड है। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो भागवतम के सेट हैं इनको लाइब्रेरीज में डाला जाए, क्योंकि आप शायद जानते होंगे कि प्रभुपाद खुद दिल्ली की प्रसिद्ध लाइब्रेरी में जाकर अपना फर्स्ट कैंटो रखते थे। जो प्रथम स्कंद प्रभुपाद ने बांटा था 3 भागों में, उनको कई लाइब्रेरी में जाकर प्रभुपाद जी ने रखा। और प्रभुपाद जी जब पृथ्वी पर थे इंडिया में, हमारी एक लाइब्रेरी पार्टी थी जो कि पूरे भारत में जाती थी लाइब्रेरी में इन भगवतम सेट्स को रखने के लिए। भक्तिनाथ ठाकुर की जो पुस्तक है जो उन्होंने भेजी थी 1896 में, 1967 तक मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल की लाइब्रेरी में थी। दादा लगाओ 1966 67, आज भी शायद हो। तो आप जब लाइब्रेरी में डालते हो तो 10, 20, 30, 40, 50 सालों तक लोग इन ग्रंथों को पढ़ सकते। तो सब जुड़ेंगे मैराथन में, माताएं भी और मोहन बाबा प्रभु तो सब अलग अलग जगह जाकर लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। तो ये साल कम से कम पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा तो होना चाहिए। अभी आपका दिल्ली मंदिर वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में कई साल फर्स्ट आया है, पिछले साल मायापुर आया था फर्स्ट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल कॉम्पिटिशन, जिसमें भक्त प्रयास करते हैं राधा प्रसाद की टीम को जिताने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज ट्रांसेंडेंटल कॉम्पिटिशन,
और प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे गोपियों का, उनमें भी ये ट्रांसलेशनल कॉम्पिटिशन रहता है कि हम भगवान की सेवा कैसे बढ़ाएं। तो बहुत एक कॉम्पिटिशन का अलग भाव रहता है, आध्यात्मिक कॉम्पिटिशन होता है भगवान की प्रशंसा के लिए। तो हम सब में देह की भावना अनुकूल होनी चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक अधिक मात्रा में ग्रंथों के विचरण के लिए। ये There's a letter to Tejas Prabhu, Prabhupada wrote about distributing books in Delhi. You read it out. Just one message. ये पत्र तेजस प्रभु दिल्ली मंदिर के प्रेसिडेंट थे 6-7 साल के लिए, पहले हमारा मंदिर था बंगाली मार्केट। हाँ लिखो पढ़ो। Prabhupada's letter to Tejas Prabhu. Now try to tax your brain for finding new ways and better ways for distributing our books widely to the intelligent men of Delhi city. दिल्ली के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको ये ग्रंथ हमें बांटनी चाहिए। पर कैसे बांटें उसके लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि क्या एक गीता लेकर पहुंच जाओगे किसी मंत्री के पास, और कैसे बांटना उसके लिए भी बुद्धि लगानी पड़ेगी। और अगर आपकी इच्छा है कि आप माध्यम बनो, हम तो निमित्त मात्र बन रहे हैं लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए। अगर आपकी इच्छा है कि आप निमित्त मात्र बनो तो अच्छी साधना और ग्रंथों का अध्ययन, उसे उत्साह बढ़ेगा। एक समय, ये उदाहरण मैंने पहले भी कई बार दिया है, एक समय हमने बॉम्बे के एक बड़े प्रसिद्ध इंटरनेशनल बुक हाउस में प्रभुपाद जी का बड़ा बुक डिस्प्ले रखा था। ये 1976 की बात है। सब जगह बुक डिस्प्ले, ये इंटरनेशनल बुक हाउस फ्लोरा फाउंटेन में था बॉम्बे में। पर एक महीने के बाद हमने देखा कि जितनी पुस्तकों को बिकना चाहिए था उतनी नहीं बिकी। मैं प्रभुपाद जी के पास गया और मैंने कहा कि प्रभुपाद, हालांकि इतना बड़ा डिस्प्ले था, इतनी किताबें हमने नहीं बांटी जितनी होनी चाहिए थी। प्रभुपाद ने कहा, मेरे ग्रंथों को लोग लेते हैं भक्तों के उत्साह के कारण, और दुकानों में कोई उत्साहित नहीं होता। तो अगर आप प्रचार में जाओगे इस भावना से, मंदिर के अधिकारी कह रहे हैं जाओ तो चलो हम हाजिरी लगा कर आ जाएंगे, फिर आप ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं करोगे। आप जाओगे उत्साह के साथ हंसते हुए, फिर लोग देखो ये कितना खुश है, तो फिर वो आपसे प्रभावित होंगे। तो केवल हाजिरी के लिए प्रचार में जाना से काम नहीं बनेगा, उत्साह से हमें जाना चाहिए। प्रभुपाद जी महाराज के दिव्य ग्रंथों का वितरण स्पर्धा विदेश में अनुभव हुआ। प्रभुपाद जी महाराज तो वहीं गए थे ना, गोपाल कृष्ण जी महाराज वहीं प्रवेश किया, मैं भी वहीं प्रवेश किया इस कान संस्था में। हम लोग विमान स्थान के विमान अड्डक में बाप रहा था पुस्तक, बाद में यहाँ भारत में गाड़ी लेके घूम रहे थे। ईंटर का कीमत उसी वक्त 10 रुपया खर्ची, उसकी जो आवरण खर्ची आवरण, मेरा याद है वर्षों पहले, कितना अभी 81 कितना वर्ष बीत गया, 37 10,000 ईटर 2 दिन में भागा, 10,000 खड़ा करके ध्वनि यंत्र के द्वारा प्रचार हो रहा था। अभी
संभव है कि नहीं मुझे मालूम है। अनेक प्रकार के तरीका है, मैं आपको क्या बोलूं, आप सब जानते हैं महाराष्ट्र बताया। महाराज एक चीज, यहाँ अरबी पुस्तक हाथ में है, अरेबिक बुक्स वी हैव समवेयर। प्रभुपाद जी महाराज ने कहा कि जो मुसलमान देशों में मेरे पुस्तक वितरण और जो प्रचार करेंगे, मैं उनके चरणों का धूल मेरे सिर पर रखेंगे। आपने ये सुना है कि नहीं? तो आजकल अरबी लोग हिंदुस्तान में भी आते हैं ना, विद्यार्थी होगा, विद्यार्थी लेकिन पैसे वाले लोग तो पाश्चात्य देशों में जाते हैं विश्वविद्यालय। लेकिन सोचने की बात है कि दिल्ली में कई विदेशी लोग आते हैं, और आप लोग विदेशियों के बीच में कुछ ना कुछ प्रचार करता होगा अरबी भाषा में भी, अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। आजकल कितना बोला था ना प्रभुपाद जी महाराज के तिरुपाल दिन में, सत्यनारायण प्रभु जो महाराज के साथ बीबीटी के ट्रस्टी मंडल में है, कहीं 2-3 लाख पुस्तक अरबी भाषा में आज तक वितरण हो चुके हैं। ज्यादा अरेबिक लोग अमेरिका में जाते हैं, यूरोप वगैरह, वहाँ उनको बांटते हैं, अरब देशों के अंदर नहीं बांट सकते, अरब लोग जब बाहर जाते हैं उनको बांट सकते हैं। एक और विषय महाराज अगर आगे हो तो वो है श्रीमद् भागवत के पूरे 18 पुस्तकों का वितरण, जो भद्र पूर्णिमा के विषय में चालू किया। लेकिन ये विश्व स्पर्धा, विश्व पुस्तक वितरण स्पर्धा शून्य, मेरा प्रयत्न है शून्य इंग्लिश क्यों बोलो, सब लोग बोलते हैं विश्व पुस्तक दिव्य ग्रंथ, दिव्य ग्रंथों का वितरण के विश्व स्पर्धा। और वर्षों वर्षों से भारत ही जीतते जा रहे हैं, और खास करके दिल्ली जीतते जा रहे हैं। तो आप लोग जरा सोचिए, अगर इसी महीने में भी श्रीमद् भागवत के पूरे संकलित ग्रंथों का वितरण अगर कर सकते हो तो और भव्य हो जाएगा आपका वितरित पुस्तकों का संख्या। They are doing it. They are doing it. कर रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छी बात है। ज्यादा समय मुझे नहीं लेना। Can Dr. Hanuman Das say a few words? Hanuman Das. Hare Krishna. I don't know what to say, but yes, this is one activity which makes us feel very happy, which is also very busy, which we are proud of. All our acharyas and also to Krishna. So I would request all of us that we combine, work hard for the pleasure of Lord. हम लोग प्रयास करेंगे, समाज ने बोला है गुरु महाराज अच्छी तरह साधना अपना दिमाग लगाएंगे, और तो जरूर विष्णु महाराज को सहयोग करेंगे और उनकी हमको सक्सेस। हरे कृष्ण। मैराथन शुरू हो गया है, गए होते कि राम देखना। हरे कृष्ण। तो बस यही है कि आप जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं, महाराज जी हैं, प्रभु जी हैं, वो सब आशीर्वाद दे रहे हैं आप सबको। उस आशीर्वाद को स्वीकार करिए, उसको हृदयंगम करिए और बस आप निकल जाइए। हमारा तो ये स्वधर्म है और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो सड़क में है। हम लोग सड़क में जाने के लिए ही बने हैं भक्त। ये संकीर्तन आंदोलन सड़क के लिए है। आपसे सर रिक्वेस्ट है, यहाँ काम सर आइए, सड़क में जाओ सर। हरे कृष्ण। मैराथन शुरू हो गया है, मायापुर का मैराथन, मायापुर मंदिर का 2 महीने पहले शुरू हो गया था। आप लोग मायापुर के पीछे हो।
तो भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से आवश्यक सफलता प्राप्त करके सबको दिया गया कि गौर केशवदास बाब जी की गौर प्रेमानंद ओके एनी क्वेश्चन तो कई भक्त हैं जो उनकी साधना तीन तीन चार चार बजे तक चलती रहती है साधना ही नहीं है तो महाराज ने बोला है कि साधना कभी जाना है मतलब तीन चार बजे तक जाप करते रहते हैं तो उनको बोलो फिर चार बजे शुरू करके रात के बारह बजे तक करना मतलब कि हम सब ने कम से कम आठ घंटे की प्रचार की ड्यूटी दे दी है तो चार बजे शुरू करेंगे तो बारह बजे तक असल में हमें आठ नौ बजे तक पूरी जाप भी खत्म कर देना चाहिए